हाँ ये कौन करे वाला है। नेड़ा है, नेड़ा है। लोग करने वहां पे सारे पुश कर रहे हैं एक साथ। उनका एक नॉक कर दिया मैंने, उनका एक नॉक कर दिया मैंने। नाइस वन। कॉन्करर वॉन्करर कुछ नहीं होता, सब भ्रम है भ्रम। लेकिन चलो 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 सब चलो सब चलो। रोहित कहाँ से मार रहा है? ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोवोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोन प्रिडिक्शन की एक और मिनी एपिसोड के बारे में। बेसिकली एक प्रॉपर मेन एपिसोड आना था बट मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक मिनी एपिसोड निकाल दूं। मैं ये आईपैड पर पूरा का पूरा एडिट करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने एज सच करूंगा प्रॉपरली एंड आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ समझाऊंगा। इसमें हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो कि मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, PMCU में मैंने जोन प्रिडिक्ट किए थे। देखो फर्स्ट जोन केतन प्रेडिक्ट करता था एंड उसके बाद आगे जोन किधर श्रिंक होगा किधर शिफ्ट होगा वो मैं प्रेडिक्ट करता था। इफ़ यू रिमेंबर जैसे कि मैंने एरेंगल में बताया था कि फाइनल सर्कल किधर बनेगा, जिसमें सेल्स का चिकन डिनर हुआ था, OR सेकंड आई थी, या फिर जब सेकंड डे सोल का मैच था तब मैंने बताया था कि सोल एबे के एरिया पर है, काफ़ी सेफ रहेगी वहाँ पर एंड जोन उधर ही बनता रहा था जब फनेटिक उनके साइड में थी। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जोन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। दो तीन रूल्स हैं, ये एज सच रूल्स नहीं है बट ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये काफ़ी प्लेयर्स भी एज सच तरीके ये तरीका यूज़ करते हैं कुछ कुछ टीम जोन में रोटेट करने के लिए एंड कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के जोन्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस स्टार्टिंग से एंड तक देखना ये वीडियो आप, एंड शुरू करने से पहले गाइस अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर देन प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे एंड लाइक हम रखेंगे हम सिर्फ 10 लाइक्स का। आई होप कि आप 10 लाइक्स तो करवा दोगे यार, बट शेयर जरूर करना बिकॉज जोन प्रिडिक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक मेजर पार्ट नहीं है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जोन प्रिडिक्शन के छोटे छोटे रूल्स होंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ गाइज, मैं एक्चुअली मार्कअप यूज़ करूंगा यहाँ पर एंड मार्कअप के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं एंड कैसे आप जोन्स को यू नो पूरा पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, सबसे पहली चीज़ थर्ड जोन शिफ्ट रूल, ये नाम रखा गया है। अब इसका इसका मेन मीनिंग क्या होता है, इसका पहले तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, इफ़ यू रिमेम्बर, एरेंगल का सर्कल या फिर एरेंगल मीरामार ई स्पोर्ट्स, ये ई स्पोर्ट्स सर्कल है ठीक है। ई स्पोर्ट्स सर्कल में अगर आप देखो तो आपको बताया था मैंने कि 50% से ज़्यादा, 45-64 पहले सर्कल का डायमीटर है, सेकंड का 25-10 रहता है, आप डायमीटर वाले सेक्शन में देख सकते हो। इसका मतलब 2500 का डबल होता है 5000 और ये 4500, दैट मीन्स कि हर सर्कल का सेंट्रल पार्ट हमेशा जोन में रहेगा। ये बेसिक मैथ्स है। अब सपोज फर्स्ट सर्कल आपका ऐसे था ठीक है, सेकेंड सर्कल जस्ट सपोज आपका रख, आप देख सकते हो फर्स्ट सर्कल में आपकी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट सर्कल में आता है आपका पोचिंग की यासना है रोजॉक स्कूल, मान लीजिए आपका सेकेंड सर्कल ऐसे बनता है ठीक है, इसका मतलब स्कूल सेकेंड सर्कल के सेंट्रलाइज है। फर्स्ट सर्कल का सेंट्रलाइज ये एरिया था जो कि ओपन था, स्कूल सेकेंड सर्कल का सेंट्रलाइज है, इट मीन्स थर्ड सर्कल आपका जिधर भी बने या तो ऊपर जाए या नीचे आए, ये अपार्टमेंट्स हमेशा उस टाइम जोन में है, अपार्टमेंट जोन में है, रोजॉक का हिल जोन में रहेगा, ऐसे करके ये एरिया आपका जोन में रहेगा। तो जोन में ऐसी रोटेशंस देना उस टाइम इजी हो जाता है, दिस इज लाइक बेसिक बिगिनर थिंग। थर्ड जोन शिफ्ट रूल, या तो प्रॉपर नॉर्थ हो प्रॉपर साउथ हो प्रॉपर ईस्ट हो प्रॉपर वेस्ट हो, लेकिन जो सर्कल का सेंट्रल एरिया है वो आपका सर्कल वो आपका नेक्स्ट जोन में रहेगा ठीक है। ये एक वन ऑफ द बेसिक थिंग्स है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रूल पे, फोर्थ जोन वाटर रूल एक्सेप्ट फॉर द ब्रिज फाइट्स। इसमें क्या होता है,
अब ये मैं आपको प्रॉपरली चीज़ें समझा सकता था, बट द थिंग इज़ कि इस टाइम मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अगर लैपटॉप होता तो मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझा देता, बट देन एज ऑफ नाउ अगर लैपटॉप नहीं है तो कुछ ऐसा सच कर नहीं सकते। तो ये एक बेसिक वीडियो बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ जो कि छोटी मोटी चीज़ें रखेगी। फोर्थ जोन एक्सेप्ट वाटर ब्रिज। सपोज अगर 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 ये वाटर ये ब्रिजेस हैं, इन ब्रिजेस को इस वाले रूल के लिए आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि ब्रिजेस एंड रिजेस, ये रिजेस जैसे होते हैं, इन सब के लिए एक अलग चीज़ होती है। अगर आपका पहला सर्कल मान लीजिए कुछ इस तरीके से था, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से था, तीसरा सर्कल भी कुछ इस तरीके से था, तो चौथा सर्कल आपका एक ड्रास्टिक शिफ्ट मारेगा जिसमें वाटर हट जाएगा, ये वाटर एरिया नहीं होगा आपका सर्कल में। ये पहली चीज़ आती है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए आपका पहला सर्कल ऐसे था, आपका दूसरा सर्कल ऐसे था, आपका तीसरा सर्कल ऐसे था, चौथा सर्कल आपका लैंड पर जाएगा कुछ भी करके, या फिर मैक्सिमम अमाउंट एक होता है विकेंडी में, अगर आपको पता हो तो मैक्सिमम वाटर सर्कल्स बनते हैं, बट देन चौथा सर्कल ही ऐसा सर्कल होता है जो कि लैंड को परसेंटेज ज़्यादा देता है। अगर हम ऐसे बात करें, ठीक है, इट्स लाइक 50% लैंड 50% वाटर सपोज। फिर आता है आपका नेक्स्ट सर्कल। नेक्स्ट सर्कल की अगर हम बात करें, ये बन चुका है, इट इज़ स्टिल हैविंग 50% लैंड एंड 50% वाटर। नेक्स्ट सर्कल अगर हम बात करें, नेक्स्ट सर्कल ऐसा आता है, इट इज़ स्टिल हैविंग लाइक 40% लैंड 60% वाटर। तो जो फाइनल सर्कल होगा आपका, फाइनल सर्कल ऐसा आएगा जो कि लैंड को 90% दे देगा और 10% ही वाटर को देगा। तो उस टाइम अगर आपके पास ऐसे जोन्स आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट ये रहता है आपके पास कि मान लीजिए, ये सर्कल्स इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये सर्कल्स मैक्सिमम आपके बन सकते हैं ये रिज एरियाज पर। आपके आपने देखा होगा कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें ये रिज एरियाज को प्रायोरिटी मिलती है, रिज या ब्रिज को। तो आप किसी एरिया पर रुक जाइए, आप किसी ऐसे एरिया पर, ये एरियाज पर आप बैठ सकते हैं, एंड अगर सर्कल इधर बन रहा है, सर्कल इधर बन रहा है, थोड़ा परसेंट भी सर्कल इस एरिया को प्रायोरिटाइज करता है, तो आप यहाँ पर बैठकर आराम से फाइट ले सकते हैं। ये पूरे एरिया पर बैठकर आप फाइट ले सकते हैं, जो कि आपके लिए इजी फाइट हो जाती है, बहुत इजी फाइट हो जाती है। तो रिजेस की फाइट अगर आपको लेनी है, ऐसे एरियाज की अगर आपको फाइट लेनी है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सर्कल देखो, आपका इनिशियल सर्कल पानी पर है या फिर लैंडमास पर है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है। सेम गोज़ फॉर ब्रिजेस। अगर आप ब्रिज के आसपास फाइट ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सर्कल ब्रिज पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, ये आपका सेकंड रूल हो जाता है। सेवंथ जोन हाउस जोन, ये सेवन जोन हाउस जोन रूल होता है, एक ये तीसरा रूल है। सेवन जोन हाउस रूल क्या कहता है बेसिकली, ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एंटिटी का फर्स्ट गेम 19 किल चिकन डिनर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेट मी सी, अगर मेरे पास वो क्लिप है, अगर मेरे पास वो क्लिप है तो यहाँ पर ये विकेंडी का मैच है, ये विकेंडी का मैच है, ये सारा का सारा, दिस इज सेकेंड डे गेम प्ले, दिस इज एक्चुअली सेकेंड डे गेम प्ले। रुकिए मैं ट्राई करता हूँ, अगर आप लोगों को दिखा सकूंगा तो सकती है। वाटर सिटी से स्टार्ट होकर अगर यासना, हाँ तो भाइयों बहनों देवियों से जुड़ो, ये हमारे पहले दिन का पहला मैच था। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, क्योंकि उनको पता है, अगर आप सर्कल्स की बात करें, ये सारे रूल्स अभी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं एक तरीके से। ये घर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्चुअली शो दिस गेम, जो कि सेवन सर्कल रूल है। आप सिक्स, आप देख सकते हो सिक्स सर्कल है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर सिक्स सर्कल से शुरू हो गया था, बट देन इट्स लाइक ये एक्चुअली फोर्थ सर्कल से शुरू हो रखा है। ये जो घर आता है, अगर आप सर्कल देखें टॉप राइट में, ये घर सर्कल में रहा। इट्स लाइक अगर आपके पास, अगर सारा का सारा गेम घरों पे कॉन्सेंट्रेटेड ना होकर एक ओपन एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बट देन फाइनल में आपको घर मिल रहा है, तो आप उस घर को होल्ड करना प्रेफर कीजिए, क्योंकि जोन इफ नॉट रोटेशन तो जोन उधर बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ करके, एंड आपके पास काफी इजी रहेगा हर एक फाइट लेना। अगर आप देखें हर एक तरीके से, जिस टीम ने घर लिया, टीएसएम एंटिटी ने जब घर लिया, तो ये घर उनके पास रहता है बहुत ज्यादा देर तक, पूरा पूरा टाइम, एंड हर कोई घर के बाहर है। अब जान मारा के पास यहाँ पर एडवांटेज क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स अबाउट ओपन, इट्स अबाउट क्लोज एरिया, नॉट ओपन एरिया डेंसिटी, इट्स अबाउट क्लोज एरिया डेंसिटी। फाइनल सर्कल आपका चाहेगा, गेम आपकी चाहेगी ई स्पोर्ट्स मैप में, अगर आप जानो ई स्पोर्ट्स मैप में हील बैटल कभी नहीं होते, कभी भी नहीं होते, क्योंकि ई स्पोर्ट्स मैप ये चीज़ चाहता है कि आप एंड का भी किल निकालो, ये हमेशा रहता है। ये आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा,
क्लासिक मैचेस में हील बैटल हो जाता है फाइनल सेगमेंट में, बट ई स्पोर्ट्स मैप में हील बैटल नहीं होता। तो जो एरिया ओपन है वहां पर सर्कल कभी नहीं बनेगा। जान मारा जहां पर बैठी है आप देख सकते हो राइट में, वहां पर एक हट है, छोटी सी शैक है, बट देन शैक के आगे का सारा एरिया ओपन है। क्योंकि वो एरिया ओपन है तो वहां पर कभी भी सर्कल नहीं बनेगा। ये गेम का रूल है कि इसको एंड तक फाइट चाहिए। इट विल नेवर गो फॉर अ हील बैटल अंटिल एंड अनलेस आप विकेंडी का मैप खेल रहे हो। विकेंडी में हील बैटल्स होती हैं, एक्सेप्ट फॉर विकेंडी कोई भी मैप अब हील बैटल नहीं देता। दिस इज लाइक अ मेटा राइट नाउ एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेटा जो कि आपको समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब हम बात कर सकते हैं चाहे तो सैनोक की भी अगर हम बात करें फाइनल फाइट्स की, अगर आप फाइनल फाइट्स देखना चाहो यहाँ पर ये था वाटर रूल जो कि हम बात कर रहे थे। अगर आपने ऊपर राइट में देखा होगा आप सर्कल देख सकते हैं पानी में था, कुछ परसेंट पानी में था, बट देन अगर हम आगे जाते हैं सर्कल जैसे श्रिंक होता है फुल सर्कल लैंड पर जाएगा। दैट मीन्स कि आपको देखना पड़ेगा कि फोर्थ जोन वाटर रूल कब आपका काम करता है। अगर आपका मैक्सिमम अमाउंट लैंड पर जा रहा है एंड सर्कल का शिफ्ट उधर है तो सर्कल जाएगा ही जाएगा, कुछ भी करके सर्कल उधर मूव करेगा आपका। आप उस चीज को यू नो रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। इसके बाद अगर हम आते हैं जैसे कि सैनो की मैप की प्रेडिक्शंस एंड ऑल के ऊपर, मतलब फाइनल सर्कल्स किस तरीके से जाते हैं, आप देख सकते हो अभी 8 टीम्स बची थी एंड 7 पर ऑरेंज रॉक 6 पर क्रॉलर्स। कास्टिंग क्यों कर रहा हूं बोलते हो पता नहीं। ये देखिए सर्कल हमेशा ओपन में ही बनेगा क्योंकि सर्कल को फाइट्स चाहिए कुछ ना कुछ करके। मतलब यहाँ पर मॉडल का एक हेड आपको देखना पड़ेगा कि सर्कल हमेशा लैंड पर जा रहा है। तो अगर आपको कवर्स बनाने कुछ भी करना है तो आपको यू नो अपना अपना कवर एक लैंड मास के एरिया को ही बनाकर रखना पड़ेगा। इसके अंदर सोलगा चिकन डिनर आया था वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। खैर अगर हम आगे चलते हैं, आगे जाकर मीरामार की बात करते हैं, बिकॉज मीरामार यू नो ओपन रिच गेम्स, यहाँ पर यू मुंबई जीती थी एंड फिर से ओपन सर्कल था। फिर रिमेंबर ये आई गेस फनेटिक अगेंस्ट था, ईक्यूओ को डैमेज दिया बट ये ओपन सर्कल बस एक शैक रखा हुआ क्योंकि गेम को ओपन एरिया फाइट चाहिए तो वो आपको घरों से बाहर धकेलेगा कुछ भी करके, तो ये पूरी की पूरी सिनेरियो हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम आएंगे विकेंडी में। अब आती है विकेंडी की बात जो कि यू नो काफी ज्यादा दिलचस्प रहती है इफ एनीथिंग। एंड यहाँ पर अगर आप देखें क्योंकि विकेंडी में हील बैटल्स हो सकते हैं, विकेंडी आपको घरों की चॉइस देता है, बट द थिंग इज बाकी प्लेयर्स को आपके ऊपर पुश करने का बहुत मौका देता है। तो ओवेस को पता चला कि उन्होंने अपने स्लैम कर लिया अपनी डाचा को लेकर, बट यहां पे ओवेस मोलोटोव को फेंक कर उनको थोड़ा सा फॉर करने में मजबूर कर दिया। ओके दिस वाज द नेट एंड यस बैक टू बैक दोनों हो सकते हैं, यहां पर एक अकेले का मैच भी बचा, ओवेस यहां पे बैक में दोनों ऑप्शन थे। एक एम्पोर्ट और एक नेट मोटिव यही आता है कि कब आप यू नो ओपन से या किसी कहीं से भी फाइट्स ले सकते हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन जाता है इस गेम का, इस पूरे के पूरे सिनेरियोस का। तो वो ओवरऑल सिचुएशन रहती है, सीन रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक जोन्स के बारे में, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इस गेम का। ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना क्योंकि अगर आपको जोन समझने हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग। सपोज एक सर्कल आपका ऐसा बनता है जिसमें ये रिवर है, जो आप रिवर देख सकते हैं 50% नीचे है एंड 50% ऊपर है। अगर रिवर को आप देखें, इसका मतलब फर्स्ट सर्कल, अगर फर्स्ट सर्कल आपका ऊपर को गया था या फिर फर्स्ट सर्कल नीचे हो गया था तो फाइनल सर्कल भी उधर ही जाएगा। फाइनल सर्कल का शिफ्ट, मेरे कहने का मतलब है, मानिए फर्स्ट सर्कल आपका नीचे गया था, सेकंड सर्कल नीचे गया था, थर्ड सर्कल नीचे गया था, आप फोर्थ सर्कल तक यहाँ पर आ चुके हो, फाइनल सर्कल आपका रोजॉक जाएगा। मतलब किस तरीके से मैं समझाऊँ इसको ऐसे समझाना मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप पॉइंट समझ पा रहे हैं कि आपका फर्स्ट सर्कल का शिफ्ट अगर नॉर्थ था तो फाइनल सर्कल का शिफ्ट भी नॉर्थ होगा, अगर आपका फर्स्ट सर्कल का शिफ्ट साउथ था तो फाइनल सर्कल का शिफ्ट साउथ होगा। जिस डायरेक्शन में आपका फर्स्ट सर्कल का शिफ्ट था फाइनल सर्कल भी उधर की डायरेक्शन में शिफ्ट लेता है। चाहे तो मान लीजिए आपका फर्स्ट सर्कल पूरा का पूरा, फर्स्ट सर्कल आपका ऐसा बना था, सेकेंड सर्कल आपका कुछ ऐसा बना था, ठीक है, थर्ड सर्कल आपका रोज हो गया, फोर्थ सर्कल आपका रोज हो गया, फिफ्थ सर्कल आपका रोज हो गया, लेकिन सिक्स सर्कल में वापस से एक साउथवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको। मतलब फाइनल सर्कल में जैसा फर्स्ट सर्कल था वैसा ही आपका एंड सर्कल उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपका जोन 50% लैंड 50% वॉट, मतलब अगर आपका जोन ऐसा कुछ बनता है, चाहे तो यहाँ पर बन सकता है, वो कहीं पर भी बन सकता है, बट देन सेंट्रलाइज रहे अगर वो पानी से, क्योंकि गेम एक्चुअली इट ट्राइज टू प्ले द माइंड गेम विद यू, ये चीज़ रहती है। सेकेंड चीज़, एक बहुत ही प्रिकेरियस सर्कल है इस गेम में, वो ऐसा सर्कल है
ये आपने सेकंड डे का एरेंगल देखा होगा जिसके अंदर सेल्स का चिकन डिनर हुआ था, जबकि मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सर्कल इधर बनेगा जाकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सर्कल ऐसा बनता है, सब प्लेयर्स को इधर मूव करना पड़ेगा, यहाँ वाले प्लेयर्स को सबसे अच्छा मोटिव रहता है, एंड सर्कल इसके बाद एक ऐसी शिफ्ट मारता है जो कि हमेशा 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 इधर की डायरेक्शन में बनती बनती है हमेशा। अगर आपके पास ऐसा सर्कल आता है, ये पीएमसीओ वाइल्ड कार्ड में भी हो रखा है, ये पीएमसीओ पाकिस्तान में भी हो रखा है, इनफैक्ट और तो और ये पीएमपीएल में भी हुआ ये सर्कल शिफ्ट। सेकेंड डे रैंगल मैच ईजी था, मैंने गेम के स्टार्टिंग में बोल दिया कि सर्कल इधर जाएगा, मतलब ये एक ईजी सिनेरियो रहता है आपके पास चीज़ें समझने के लिए। एक और चीज़ आती है, अगर आपके पास जॉर्जो का एरिया आता है सर्कल में, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट फुल प्रोबेबिलिटी बट हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास जॉर्जो का एरिया आता है तो सर्कल का शिफ्ट आप इस एरिया पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो हायर ग्राउंड लेना ऐसे एरियाज में, हाउ टू इरिटेट ऑन दैट, सर्कल का एरिया ऐसे सर्कल को ऐसे एरियाज में एक्सपेक्ट करना आप इजी समझ सकते हैं। हायर एरिया जितना जल्दी आप पकड़ेंगे उतना जल्दी, बेसिकली इट्स नॉट कि आप सर्कल यहाँ एक्सपेक्ट करें, इट्स कि आप यहाँ पर रहकर बाकियों की सर्कल रोटेशंस काट सकते हैं। जॉर्जो पुल से आने वाले, हॉस्पिटल से आने वाले, गत्का से आने वाले, या फिर पोचिंकी से भी इधर जो रश इन करेंगे, आप उनकी सर्कल रोटेशंस ईजिली काट सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वन ऑफ द थिंग्स इज इफ यू गाइज एक्चुअली नो देर इज़ वन थिंग जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पर एक एरिया होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज एंड मोस्ट अंडर रेटेड प्लेसेज टू लूट, मोस्ट अंडर रेटेड। तो अगर आप रोटेशन करना चाहते हो या आप यहाँ पर उतर सकते हो, एक बंदे की लूट यहाँ पर फुल मिल जाती है, बट बहुत कम लोग जाते हैं। और दूसरी चीज़, स्टालबर कामेश की बहुत कम जोन्स बनते हैं, सो स्टालबर कामेश की से रोटेशंस ऐसे एरिया पर ईजी हो जाती हैं, बट देन स्टालबर कामेश की तरफ को जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि बीच में ये एरियाज आते हैं, यासनाया जैसे आता है, तो रोटेशंस थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। ऊपर से नीचे आना काफ़ी ईजी रहता है पूरे गेम में, एक्चुअली ऊपर से नीचे रोटेट करना काफ़ी ईजी रहता है, नीचे से ऊपर रोटेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो वो एक चीज़ होती है जिसको कि आपको देखना पड़ता है एंड पड़ेगा कैसे आप कर सकते हो। तो ये थी थोड़ी सी स्पेसिफिक टाइप ऑफ जोन्स एंड कुछ रूल्स जो कि आपको बताए, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ आपको काम आ सकती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप लोग नए हो। आई सी यू गाइज अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियोस, पीस आउट गाइज, हैव अ रियली 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 अमेजिंग डे। बाय द वे कुछ और चीज़ें आने वाली हैं जल्दी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो हैव अ रियली अमेजिंग डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू गाइज अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियोज, पीस आउट गाइज, हैव अ रियली नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।